अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, सुबह सुबह उठा मैंने, बोला यार जैसे हर बार की तरह मैं ब्लॉग स्टार्ट करता था, वैसे ही आज स्टार्ट करूँ यार सुबह सुबह बिल्कुल। तो दोस्तों पूरे सेटअप पे से मैंने पर्दे वर्दे हटा के इनको थोड़ा बहुत खोला है, ताकि इनको यार हवा हवा लगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाइए। और बाकी यार कल जो हमने ना दोस्तों जैकी, जैनी और जैक को बंद कर दिया था बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं सेटअप को। और ये देखें इनकी हालत में आपको दिखाऊंगी, देखो ये आप लोगों को दिख रहा है, पूरी चादर इन्होंने पेशाब में कर दी है, ये जगह पूरी पेशाब में कर दी है, और यहाँ सारी महंगियाँ पड़ी होती हैं इनकी, ये पॉटी करते थे। तो बहुत ज़्यादा ना सेटअप बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और बदबू इतनी शदीद कि आपको नहीं आ रही होगी, क्योंकि क्या बदबू आएगी, अगर इधर कोई फीचर होता ना कैमरे में तो मैं आप लोगों को दिखा देता, बाकी इनके पेशाब में बहुत बदबू होती है। खैर इस बात को छोड़ते हैं दोस्तों, हमें जैकी, जैनी और जैक को खोलना भी है। तो उनसे पहले ना हम दोस्तों, मैंने आप लोगों को याद होगा कल बोला था कि हमारी जो मुर्गी है, जो कुड़क है, जो अंडों पर बैठी हुई है, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि वो खुलने के बाद क्या क्या हरकतें करती है और क्या क्या सीन करती है वो। तो उसको मैं खोलता हूँ, उसकी शरारतें आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले उसको खोल देते हैं दोस्तों, फिर हम जैकी, जैन और जैक और जैनी को खोल लेंगे। ये चलें पहले हम अपनी कुड़क मुर्गी को खोलते हैं। ऐसी हो खैर दोस्तों, यार इसको खोलने से पहले ना मैं इसका दाना वगैरह रख दूं, और मुझे दोनों हाथों से इसको निकाल के खोलना पड़ेगा। तो मोबाइल को मैं वहाँ रिकॉर्डिंग पे रखता हूँ, और आप लोग देखें कि क्या क्या करती हैं आज। तो ये ले दोस्तों, ये आ गई हमारी कुड़क मुर्गी। अब आप इनकी हरकत देखें, बड़ी शरारती है भाई है। मैं इसको जितना रोकता हूँ ना एक चीज नहाने से, ये उतना नहाती है दोस्तों। अभी देखिएगा, ये मेरी बहुत खुद्दी मचाती है नहाने के चक्कर में। तो ये गई है, चलो। तो यार दोस्तों, इसका पानी की तरफ ना ज़्यादा ध्यान रहता है, ये मैंने बहुत नोटिस करा है। वो देखिए हमेशा उठते ही ना सबसे पहले पानी पीने जाएंगे, सबसे पहले हमारी जो मुर्गी है कुड़क, तो सबसे पहले पानी पीने जाती है और सारे अपने पाँव भिगो लेती है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना क्या बोलूँ ना, जब भी मैंने इसको ना आज बाद में खोला, वरना मैं अगर इसको खोल देता हूँ और सफाई करता होता हूँ ना, तो ये दोस्तों सफाई करने नहीं देती है मुझे बिल्कुल भी। दोस्तों मैं आप लोगों को आगे से दिखाऊं इसकी हरकतें, ये अभी ना सिर्फ पानी नहीं पी रही है, ये अपने पाँव भी गीले कर लेगी पूरी। फिर मुझे इसको पूरा साफ सुथरा करना पड़ता है, इसके पाँव सुखाने पड़ते हैं पूरा कपड़े से, और उसके बाद इसका मुंह भी, और पूरी ऐसी हो जाएगी। और अभी अब देखिएगा थोड़ी देर में ना मिट्टी में नहाने भी जाएगी, जो कि कुड़क मुर्गी को नहाने मत दिया करें, वरना उसका कुड़कपना ख़त्म होता है हल्के हल्के करके। तो बेहतर होता है कि नहीं नहाने देने चाहिए। चलें भाई अभी आएंगे अपना खाना खाने। चलो भाई माशाल्लाह। यार दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था ना, ये मुझे एक चीज़ में बहुत परेशान करती है मुर्गी, वो देखें। मैं इधर उधर हुआ हूँ, इनको दाना पानी कर रहा था सारों को एक एक करके, कबूतर वगैरह को अपने, और वो देखें ये फौरन नहाने बैठ गई। अब ये ना अच्छी खासी देर नहाती है, और नहाने से दोस्तों कोई मसला ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे मेन मसला जो है ना वो यही है कि ये ना अंडों पर से उठ ना जाए, क्योंकि कुड़कपना ख़त्म कर देती है, तो इसको हमें अब आसान है। अब देखिएगा भागी ही कैसे, चलो 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 उधर घूमे जा रही हो। अब यहाँ के दोस्तों ये खाना पीना शुरू कर देंगी, और थोड़ी देर बाद ना जहाँ मैं इधर उधर हूँगा फिर वापसी जाके बैठ जाएगी फ़ौरन से वहाँ पे। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, और ये वहीं जाएगी, चुपचाप जाएगी, ये समझेगी मुझे पता ही नहीं है जैसे। ये देखें ये गई ये गई ये गई, और ये पहुँच गई फ़ौरन नहाने। ये हरकतें करती है, मैं यहाँ पर दे रहा होता हूँ ना इसको पता ही, ये देखती है कि जैसे ही आगे पीछे होगा ना मैं वहाँ चली जाऊँगी। अब देखें चुपचाप नहा रही होगी वहाँ जाकर, और वो देखें फिर से स्टार्ट हो गई। काफ़ी दिनों तक बैठे रहते हैं ना अंडों पे, तो इनके जुएँ भी हो जाती हैं अक्सर, और खुजली हो जाती है जिसम में, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बैठते हैं गर्मी होती है, पसीना आता है इनको भी भाई, तो इस वजह से ना ये थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो खैर इसको हमने फ़िलहाल तो नहाने नहीं देना दोस्तों, तो इसने खाना पीना कर लिया है। अब मैं इसको बंद करता हूँ दोस्तों, और बाकी फिर रैबिट्स को खोलते हैं, और मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देता हूँ, पहले इसको बंद करते हैं फिर देता हूँ। ले यार दोस्तों इसको अंदर डाल दिया है हमने, अपनी जो मुर्गी है अब ये खुद सेटिंग करके बैठेगी, बाकी हमज़ा भी आ गया उठा है अभी अभी है, और मैंने बोला यार आज आप लोगों को प्रॉपर वे में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी मुर्गी जो है बैठती है, खाती है, पीती है। बाकी आपने देखा ये नहाना ज़रूर करती है, जो कि इसको देना नहीं चाहिए नहाना। चलो यार इसको अब ढक देते हैं दोस्तों, क्योंकि अंडों पर बैठी हुई है तो हवा ना लगेगा। चलो भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ सरप्राइज़, इधर आओ
और आप लोगों को भी दिखाना था, वो देखो अंडा। हाँ तो यार दोस्तों, इनका ना मेरी अभी अभी नजर पड़ी है, बिल्कुल अभी अभी जब मैं इसको बंद करने लगा था ना, तब मेरी दोस्तों नजर पड़ी। जब इनको दाना डाल रहा था और इसको बंद भी कर रहा था, मैंने बोला यार कुछ पड़ा मैंने देखा, मैंने लड़ा वहाँ पे एक और बार अंडा, तो तीसरी मरतबा दिया ना इन्होंने। तो दोस्तों यार इन्होंने तीसरी मरतबा ये अंडा दिया है, तो इस बार उम्मीद रखते हैं हम। हाँ भूसा डाल दो जितना हो सके। तो यार इस मरतबा रिक्वेस्ट है आप भाजी, इस मरतबा ना आप वो निकाल देना बच्चे प्लीज, जैसे सेटल नेट ने निकाला है। पहले से एक आ जाए, लेकिन आए तो सही, सेटल नेट का दोस्तों आया, एक तो आया, लेकिन बस यार मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह करे दोस्तों इस मरतबा निकाल दे, क्योंकि इस मरतबा इन्होंने नहीं निकाला ना तो ये पक्के फिर सेल आउट होने, और दूसरे लेकर आएंगे हम फिर जो ब्रीडिंग कराएं, बच्चे निकालें, कुछ एक खुशी तो हो यार देखते। खैर चलो यार, दूसरा अंडा इंशाल्लाह इनका दोस्तों कल तक आ जाएगा। ये देख ये अंडा किसका टूटा है, लोटिनो का। तुम्हें कैसे पता लोटिनो? पता नहीं यार, लोटिनो का ये अंडे का साइज ही है। नहीं मैंने एक यहाँ से निकाली है, एक यहाँ से निकाली थी, यहाँ तुमने लगाई है। अब नहीं नहीं अंडे का साइज लोटिनो के है ना। हाँ और एक ऊपर बजरी का अंडा, तो वो बड़ा ऊपर छोटा यार। हांडी में बैठी हुई एक अंडा आया था इतने टाइम बाद, वो भी चला गया यार। दोस्तों ये देखें, ये रहा एक ही अंडा था, वो पता नहीं कैसे इसने क्या करा है। पहले मैं पता है क्या सोच रहा, मैं इतनी देर से खड़ा हुआ सोच रहा हूँ मैंने यहाँ से निकाली है या यहाँ से निकाली है, फिर मुझे याद पड़ा कि इसके अंदर गत्ते के टुकड़े पड़े हुए, और ये देखो इतना पूरा गत्ता कुतरा हुआ है यहाँ से। तो मुझे ये हुआ है कि ये लोटिनो ने ही निकाल के दिया। दिख रहा है यार फजूल की, एक कितने टाइम से रखे हुए हैं, कितना टाइम हो गया, तकरीबन दो महीने, दो तीन महीने हो, दो तीन महीने दोस्तों होने को आए, अभी भी अंदर बैठे हैं। एक अंडा फेंक दिया, मतलब सारे अंडे फेंक देंगे ये। चलो क्या कर सकता हूँ यार, एक मतलब बैड न्यूज कोई ना कोई दोस्तों मिलती रहती है। चलो यार, तो चले यार दोस्तों, सबको मैंने दाना पानी कर दिया है, अब रैबिट्स को खोल के देख लें यार, इनको सुबह से नहीं खोला। चलो भाई, वरना ये रात के खुले रहते हैं, और ये ना इतनी देर ठहर नहीं सकते दोस्तों, और ये जो मैंने आप लोगों को बताया था 8 घंटे चरने वाला जानवर होता है। तो चलो भाई आ जाओ, तुम लोगों की बारी आ गई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैकी भी आ गई, जैक भी आ गई, जैनी भी, अरे जल्दी बाहर आओ। हाँ चलो, तो यार दोस्तों यहाँ रख दिया लोग, यहाँ खाई पी हैं, और मैं जा रहा हूँ अब नीचे, क्योंकि मुझे बहुत डांट पिट रही है। हमजा ने बोला जल्दी नीचे आओ, बाबा गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आके नाश्ता करो, फिर जो करना है करते रहो। तो मैं बगैर नाश्ता करे वीडियो बनाने आ गया था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल गर्मे शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।